मैंने कहा था कि आप मुझ पर एतमाद कर सकते हैं। आप जो चाहते हैं करूंगा मैं, बस मुझे उनके हाथों में मत छोड़िएगा। हम चाहते हैं कि आप वापस सिफारत खाने जाएं। वक्त आने पर हम आपको सब कुछ बताएंगे। आप मेरे बाबा का रासू और महमूद पाशा के बेटे शहजादे सबाहतीन को यहाँ बुलाएंगे और आप उनके साथ तावुन करेंगे। अच्छा, मुआहिदा कहाँ है पाशा? सुल्तान मौजम वो मुआहिदा हमारे पास मौजूद है, क्या ये दुरुस्त है? जी सुल्तान मौजम, हम वो मुआहिदा हेकलर से छीन लेंगे, कोई भी हमारे हुक्म के बगैर काम नहीं करेगा। जनाब, महल से खबर मौसूल हुई है, उन्होंने अकाबा की पेशरफ नहीं रोकी और तैयारियां जारी रखी हुई है। महल से जिस शख्स ने भी ये किया है वो कोई और नहीं महमूद पाशा है। आप वो मुआहिदा हासिल करें, उसके बाद हम आपकी हिफाजत करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप महमूद पाशा से एक दस्तावेज चोरी करके उसे जनाब हिटलर तक पहुंचा दीजिए। अब तो मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द की दुकानें और उसके करीब का इलाका खरीदोगी। तुम जानती हो मेरे लिए खरीदना नामुमकिन है। बरतानवी बहरिया पेश कदमी शुरू कर देगी। बिल्कुल, आपकी मेज मजबूत हो सकती है मगर अकाबा का किला तबाह हो जाएगा। जब वो जहाज लंगर अंदाज होगा तो हम मुआहिदे की नकल हासिल करने के लिए इकदाम करेंगे। बंदरगाह पर एहतियाती तदाबीर करो। ये कुछ खुफिया दस्तावेजात है पाशा, यमन तक रास्ते को कैसे लेकर जाना है, हम ये क्यों करना चाहते हैं, ये सब इसमें लिखा है। जहाज के बंदरगाह पहुंचते ही हमारे आदमी अब्दुल हमीद के जासूसों से पहले ही वो मुआहिदा हासिल कर लेंगे। देखिए ड्रामा सीरियल सुल्तान अब्दुल हमीद सीजन 4।